विकास सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। हिमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, बोले लव जिहाद एक सच्चाई, श्रद्धा वालकर मामला इससे अलग नहीं है। गुजरात में पहले चरण में हुआ 62.89% मतदान, पिछली बार के मुकाबले 4% कम। जेएनयू की दीवारों पर लिखा ब्राह्मणों भारत छोड़ो, बनियों के खिलाफ भी लिखे नारे, वीसी ने कहा कैंपस में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं होंगी। सस्ते गैस सिलेंडर का क्या करोगे, बंगालियों के लिए खाना पकाओगे, गुजरात चुनाव में परेश रावल के बयान पर बवाल। सुप्रीम कोर्ट के जज की युवा वकीलों को सलाह, बोले कैंटीन में गपशप करने के में वक्त बर्बाद ना करें, कोर्ट में बैठे। बदले के लिए नाबालिग का रेप और मर्डर, 15 साल के लड़के का लड़की के पिता से झगड़ा हुआ था, महाराष्ट्र की घटना। हरियाणा में बीजेपी नेता पर एफआईआर, नायब तहसीलदार को धमकाया, मेवात में बदली और छेड़छाड़ करने का केस दर्ज कराने की भी धमकी दी। बिहार के कुंडी में तेजस्वी यादव ने खेला इमोशनल कार्ड, बोले बीजेपी को हराते लालू यादव हो जाएंगे स्वस्थ। छत्तीसगढ़ में भी श्रद्धा मर्डर जैसी वारदात, हत्या के बाद 200 किलोमीटर दूर जंगल में पेट्रोल छिड़क कर फेंकी डेड बॉडी। अनपढ़ नेता अनपढ़ लोग, प्रशांत किशोर का विवादित बयान, कहा नेता समाज को अनपढ़ बना रहे हैं, सरकार ने समाज में अशिक्षा बांटी है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद, कर्नाटक के सीएम बुम्बई आज बेलगावी जाएंगे, शिंदे ने कहा था 1 इंच जमीन नहीं देंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव में सिंगर मीका की एंट्री, गाना सुनकर आपके लिए मांगे वोट। एनआईए ने आतंकी हरप्रीत सिंह को किया गिरफ्तार, लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट के साजिशकर्ताओं में था शामिल। बुसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड हिरासत में, गोल्डी बराड को कैलिफोर्निया में डिटेन किया गया, बुसेवाला के फैन से डरकर अमेरिका भागा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने समान नागरिक संहिता की मांग, बोले कोई एक से ज्यादा शादी क्यों करे। सपा विधायक इरफान सोलंकी ने किया सरेंडर, साथ में भाई भी मौजूद, मुनादी के बाद घर पर कुर्की का नोटिस लगना था। यूपी के मदरसूब में हाईटेक पढ़ाई पर मंथन, अरबी फारसी उर्दू के अलावा साइंस कंप्यूटर और अंग्रेजी की पढ़ाई पर चर्चा। अरध्या आई हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त, ऑपरेशन के बाद 6 मरीजों की चली गई थी रोशनी, जवाब नहीं दे सके डॉक्टर। सपा मीडिया सेल ट्विटर हैंडल पर दूसरी एफआईआर, आरएसएस पर अभद्र टिप्पणी, बीजेपी प्रवक्ता बोले हार की वजह से अखिलेश के इशारे पर हो रहा है।
मैनपुरी में पूर्व सपा विधायक के घर ली गई तलाशी। गैंगस्टर एक्ट आरोपियों के छिपे होने की सूचना आई थी, खाली हाथ लौटी। बांके बिहारी मंदिर में दर्शनों के समय बढ़ाने का मामला, हाईकोर्ट ने लगाए स्टे। भक्त और मंदिर के पुजारी कर रहे थे विरोध। मेरठ कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर पर जानलेवा हमला, कैंपस पार्किंग में युवक ने सिर पर ईंट से वार कर घायल किया। दोपहर में दो छात्र। खुद को मरा साबित करने के लिए कालगर की हत्या, अपने कपड़े पहनाए, चेहरा तेजाब से जलाए, साजिश में प्रेमी ने साथ दिया। मऊ में बुनकर का बेटा बना सब लेफ्टिनेंट, इंडियन नेवल एकेडमी में चयनित होकर परिवार और जिले का नाम रोशन किया। बिजनौर में युवक ने की आत्महत्या, गृह कलह से तंग आकर एक खाया जहर, जांच में जुटी पुलिस। रिक्शा चालक को खिड़की से बांधकर पीटा, कानपुर में लड़की ने भैया कहकर किराया पूछा तो बोला भैया ना कहो, कितने लोगों के भाई बनेंगे। धूमधाम से मनाया गया गुरु तेज बहादुर का शहीदी पर्व, गुरु ग्रंथ साहिब की शोभा यात्रा निकाली गई। गतका पार्टी व पंची प्यारे रहे आकर्षण का केंद्र। भदोही में ब्लॉक प्रमुख के बेटे समेत तीन पर केस दर्ज, डी ब्लॉक संचालन समिति के अध्यक्ष ने दर्ज कराया मुकदमा, जान से मारने की साजिश। नकली पुलिस वाले के साथ पिता ने किया बेटे का अपहरण, आगरा में स्कूल वैन चेकिंग के बहाने रोकी, बंदूक दिखाकर उठा ली गए। फतेहपुर में दुष्कर्म पीड़िता हुई गर्भवती, मां के तहरीर पर मुकदमा दर्ज, युवक को पुलिस ने भेजा जेल, दो माह पहले खेत में किया था दुष्कर्म। गाजियाबाद में करंट से बिजली कर्मी की मौत पर हंगामा, गॉड ग्रीन सोसाइटी में फॉल्ट ठीक करते वक्त खासा गुस्साए कर्मचारियों ने इलाके की बिजली काटी। प्रयागराज में ठंड बढ़ने से डेंगू के केस घटे, बीते 24 घंटे में मरीज एक केस मिला, अब तक मिल चुके 1144 मरीज। सीएमओ ने डी की सीएचसी का किया औचक निरीक्षण, नौ कर्मियों का अनुपस्थित मिलने पर रोका वेतन, गंदगी मिलने पर एक स्वीपर सस्पेंड। कौशाम्बी में सड़क किनारे खाई में गिरा बाइक सवार, भीषण ठंड में रात भर पड़ा रहा बाइक सवार, सुबह ठंड में अकड़ा मिला शव। धर्मांतरण के खिलाफ धर्म रक्षा अभियान चलाएगी विहिप, लव जिहाद के 420 मामलों की सूची जारी कर बनाई रणनीति। गैंगरेप करने वाले तीन को 20-20 साल की सजा, दोषी करार होते फरार हुए, कुर्की के नोटिस पर किया सरेंडर, 1.65 लाख का लगा जुर्माना। फंदे से लटक कर महिला ने दी जान, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, 6 साल पहले हुई थी शादी। इटावा में सपा नेता के खिलाफ एससी एसटी का मुकदमा दर्ज, गाली गलौज और मारपीट का आरोप, पुलिस तलाश में जुटी। बलरामपुर में निकाय चुनाव की वार्ड आरक्षण सूची जारी, 3 नगर पंचायत में कुल 96 वार्ड, आपत्तियों के लिए 7 दिन का समय। हरदोई में गड्ढा मुक्त करने के प्रशासनिक दावे हुए फेल, 30 नवंबर तक सड़कों को होना तक गड्ढा मुक्त, बदहाली पर आंसू बहा रहा है बघौली प्रताप नगर मार्ग।
अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम को दिया ऑफर, हमारे 100 विधायक आपके साथ, जब चाहो सीएम बन जाओ। आजम खान का नया वीडियो आया सामने, मंच से लगाए एसपी साहब जिंदाबाद, सीओ साहब जिंदाबाद के नारे। यूपी कांग्रेस ने नवाब नावेद मियां को पार्टी से निकाला, भाजपा का समर्थन कर रहे हैं नावेद। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा हुई बेहतर, प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु घटी, बोले ब्रजेश पाठक। केंद्रीय मंत्री के सामने एसडीएम ने सरकारी निर्माण कार्यों का उड़ाया मजाक, बोले एसडीएम ने सरकारी निर्माण कार्यों की खुली पोल। उत्तराखंड में निर्दयी माता पिता ने 28 दिन की मासूम को नहर में फेंक उतारा था मौत के घाट, अबुआ इंसाफ कोर्ट में सुनवाई। उत्तराखंड में दोस्त के लिए छात्रा ने खाली करा दी घर की तिजोरी, पिता ने दी लूट की तहरीर। उत्तराखंड में मतदाता पर सख्त कानून को ट्विटर पर समर्थन, नंबर एक पर ट्रेंड हुआ धर्मरक्षक धामी। उत्तराखंड सरकार समान नागरिक संहिता समिति का कार्यकाल बढ़ाया, अब तक मिले 2.5 लाख सुझाव। उत्तराखंड सरकार का मतांतरण पर शिकंजा, सजा बढ़ाई, संतों ने किया फैसले का स्वागत। देहरादून के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की मनमानी के चर्चे, न पर्चे पर चिकित्सक का नाम और न ही मुहर। उत्तराखंड में इंटरनेट पर दोस्ती पड़ी भारी, छात्रा ने मिलने से किया इनकार, तो युवक ने तमंचे से किया फायर, गिरफ्तार। चीन सीमा पर 2 सप्ताह तक भारत अमेरिकी सेनाओं ने दिखाया जौहर, पहली बार चील कमांडो का प्रदर्शन। उत्तराखंड में विद्यालयों में एकल शिक्षक व्यवस्था होगी समाप्त, प्रत्येक 15 दिन में होगी आंतरिक परीक्षा। उत्तराखंड में दहेज की मांग नहीं हुई पूरी, तो बिना तलाक लिए कली दूसरी शादी, पहली पत्नी पहुंची थानी। को बहाने से रूड़की बुलाकर किया अपहरण, 6 लाख की मांगी फिरौती, महिला की जमानत याचिका खारिज। हाईकोर्ट के आदेश पर यूकेपीएससी का फैसला, 5 भर्तियों में पद घटे, दिव्यांगों के 57 पद शासन को लौटाए। सीएम धामी ने तलब किया एनआईओएस डीएलएड मामले में रिपोर्ट, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ गई थी सरकार। उत्तराखंड के कांग्रेस के नेता करण बाहरा बोले, सत्र में विधानसभा में बैकडोर भर्ती का मामला उठाने से रोकना जनता से अन्याय। उत्तराखंड में बदमाशों ने दवा फैक्ट्री के ब्लॉन्ट हेड से लूट कार, घेराबंदी देख छोड़कर जंगल के रास्ते हुए फरार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले बेयर ग्रिल्स, बोले अपने नए शो से जिन लोग जंग से कैसे उभर रहे हैं दिखाना चाहता हूं।
एक बार फिर विवादों में आए अमेरिकी रैपर कैनी वेस्ट, बोली मुझे हिटलर पसंद है और नाजियों से प्यार है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का नस्लवाद पर दिया बयान, बोले मैंने बचपन में नस्लवाद का अनुभव किया लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अमेरिका के बाद ब्रिटेन सांसदों की समिति पहुंची ताइवान, भड़के ड्रैगन ने बताए वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन। यूक्रेन से युद्ध खत्म करना चाहे रूस तो बातचीत के लिए हम भी तैयार, बाइडेन और मैक्रों ने पुतिन के सामने रखी शर्त। पालतू कुत्तों पर केमिकल वेपन की टेस्टिंग करता था ओसामा, बेटे उमर ने कहा मेरी आंखों के सामने होता था एक्सपेरिमेंट। पाकिस्तान में मॉब लिंचिंग का खतरा, सबसे ज्यादा आतंकी संगठन टीटीपी बढ़ रहा पाक की परेशानी। रूस ने पाक को खाली हाथ लौटाए क्रूड ऑयल पर, भारत की तरफ 40% डिस्काउंट मांगा था, पुतिन सरकार ने कहा नहीं देंगे। चीन से पंगा लेकर आग से खेल रहा अमेरिका, रूस के विदेश मंत्री बोली भारत को हमारे खिलाफ बने गुट में खींच रहे नाटो देश। ब्रिटेन के बकिंघम पैलेस में नस्लवादी शाही परिवार के सदस्य ने इस्तीफा दिया, प्रिंस हैरी की पत्नी मेगन मर्कल ने भी लगाए थे आरोप। मस्क ने डिलीवर किया अपना पहला इलेक्ट्रिक ट्रक, डीजल ट्रक से 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली, एक बार चार्ज में 850 किलोमीटर चलेगा। इंसानों में ब्रेन चिप का टेस्ट करेंगे मस्क, बोले केवल सोचने भर से मोबाइल चलेगा, ब्लाइंड इंसान भी देख सकेंगे। एयरपोर्ट पर आपका चेहरा ही होगा बोर्डिंग पास, हवाई यात्रा करने वालों के लिए लॉन्च हुआ डिजिटल यात्रा ऐप। मारुति सुजुकी नवंबर 2022 सेल्स कंपनी ने नवंबर महीने में करीब 1.60 लाख गाड़ियां बेची, सेल्स में 14% का उछाल आया। लॉन्च हुआ बीक्यू प्राइम हिंदी, डायरेक्टर बोली डिजिटल के साथ ऑडियंस फर्स्ट भी, वर्ल्ड क्लास हिंदी बिजनेस कंटेंट देना टारगेट। नवंबर में 1.46 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन, पिछले साल के मुकाबले 11% ज्यादा, हालांकि अक्टूबर के मुकाबले कम। भारत में जॉबलेस रेट बढ़ा, नवंबर में बेरोजगारी दर 7.77% से बढ़कर 8.0% पर पहुंची, 3 महीने में सबसे ज्यादा। सोना चांदी में शानदार तेजी, 53,000 के पार निकला सोना चांदी, 64,000 के करीब पहुंची। यूएस फेड के चेयरमैन ने दिया दिलासा, अगली बैठक के दौरान दर वृद्धि में नरमी बरतने के संकेत। बुजुर्गों को मिली बड़ी राहत, 30 लाख से अधिक लोगों ने डिजिटल तरीके से जमा किया लाइफ सर्टिफिकेट। पूजा वस्त्राकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर, भारतीय महिला टीम की घोषणा, 9 दिसंबर से शुरू होंगे मुकाबले। भारत के खिलाफ सीरीज से पहले बांग्लादेश को झटका, तस्कीन अहमद पहले मुकाबले से बाहर, कप्तान तमीम के खेलने पर संशय।
स्टीव स्मिथ ने ब्रेडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी की। टेस्ट क्रिकेट में लगाए 29 शतक। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में डबल सेंचुरी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जर्मनी का सफर हुआ खत्म। कोस्टारिका पर जीत के बावजूद होना पड़ा बाहर। सात छक्के लगाने के बाद ऋतुराज ने खोला राज। बोली मन में चल रहा था युवराज सिंह का नाम। जापान ने उलटफेंक किया और जर्मनी बाहर। जापान ने स्पेन को 2-1 से हराया। जर्मनी को पीछे छोड़ा। नॉकआउट में पहुंचा स्पेन। सबसे असफल मेजबान कतर। 44 साल बाद ग्रुप स्टेज में बाहर हुआ मेक्सिको। रोनाल्डो ने रचा इतिहास। बेल्जियम फीफा वर्ल्ड कप से बाहर। क्रोएशिया ने ड्रॉ पर रोका। पिछले वर्ल्ड कप में तीसरे नंबर पर थी टीम। आईपीएल ऑक्शन में 991 खिलाड़ी। भारत के 714 क्रिकेटर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर। मोरक्को ने कनाडा को हराया। फर्स्ट हाफ में 2 गोल पर नॉकआउट में पहुंची टीम। कनाडा बेल्जियम बाहर। गर्लफ्रेंड के साथ स्पोर्ट्स में ऋतिक रोशन। सबा आजाद के साथ डिनर सेट पर डेट पर निकले। रेस्टोरेंट के बाहर आए नजर। उमराह करने मक्का पहुंचे शाहरुख खान। सफेद लिबास में आए नजर। फैंस बोले अल्लाह उनकी दुआएं कबूल करे। विदु जामवाल ने किया हाईलाइन स्टंट। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। यूजर्स बोले रियल लाइफ स्पाइडरमैन। परेश रावल ने अमिताभ बच्चन की तारीफ की। कहा 90 करोड़ के कर्जे से बाहर निकलना आसान नहीं था। उन्होंने बुरे कंडीशन में अच्छे से डील किया। सेने ने माधुरी दीक्षित के साथ डांस किया। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल पर लगाए ठुमके। फैंस बोले कृति ने फिर से दिल चुरा लिया। सोमी अली ने सलमान खान पर बोला बड़ा हमला। फिजिकल एब्यूज का लगाया आरोप। कहा सालों तक मुझे सिगरेट से जलाया। रिलीज से पहले बाबिल ने पिता को किया याद। बोले बाबा हमेशा कहते थे अपने अंदर का बच्चा कभी खोने मत देना। तुषार कपूर बना सकते हैं लक्ष्मी बॉम्बर का दूसरा पार्ट। बोले सैटेलाइट चैनलों पर अच्छा रिस्पांस मिला था तो उसका पार्ट 2 मुमकिन है। माँ के साथ दिखे हंसिका के मंगेतर। सोहेल सोनी राजदान सोनू सूद समेत मुंबई एयरपोर्ट पर साथ आए नजर। जयपुर पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी। 4 दिसंबर को 450 साल पुराने मुंडोता फोर्ट में सोहेल संग लेंगी सात फेरी। आज के लिए शतक में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सच साहस